बीजेपी नेता व अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। राणा ने कहा, मैं हमेशा अपने बयान पर कायम हूं, मैं किसी से नहीं डरती। हम भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करने वालों को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर वे 15 मिनट लेंगे तो हम भी 15 सेकंड ही लेंगे। बता दें आपको, महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने बुधवार को हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन को लेकर एक विवादित बयान दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले पुराने बयान का जिक्र करते हुए राणा ने कहा, हैदराबाद से अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दी जाए तो ओवैसी बंदूक को उनकी जगह दिखा दी जाएगी। वो कहां से आए थे और कहां जाएंगे, इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। राणा के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं बोलता हूं कि आप पीएम मोदी को 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे? जैसा मुख्तार अंसारी के साथ किया वैसा ही करेंगे। 15 सेकंड नहीं बल्कि एक घंटा ले लीजिए। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में अभी भी कितनी इंसानियत बाकी है या नहीं, बल्कि हमें पता दीजिए कहाँ आना है, हम भी आ जाते हैं। दरअसल राणा हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करने गई थी, जहाँ उन्होंने यह विवादित बयान दिया। माधवी लता का मुकाबला हैदराबाद से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी से है। बता दें आपको, हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने नवनीत राणा का बचाव करते हुए कहा, हम AIMIM के बारिश पठान नहीं हैं, हम किसी को डराते या धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने की बात नहीं कहते हैं। उनका मतलब है कि 15 मिनट लगेगा, बोर्ड डाल के आओ। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।